अभिमन्यु और अबीर को मिलाने के लिए अब अभिनव देने वाला है बहुत बड़ी कुर्बानी। आखिर वो कौन सी कुर्बानी देने वाला है जिसकी वजह से अब अभिमन्यु और अबीर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अक्षरा जो हमेशा से ही ये कहती आई है कि अगर अबीर के पिता होने का हक किसी को है तो वो कोई और नहीं अभिनव है, वही अभिनव अब अभिमन्यु के हवाले कर देगा अबीर को। क्यों देगा वो इतनी बड़ी कुर्बानी, क्यों देगा वो इतना बड़ा त्याग, हम आपको बताएंगे टीवी तमाशा पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि अभिमन्यु को अबीर का सच पता चल गया है और अब ये सच सामने आने के बाद अभिमन्यु अबीर को पाना चाहता है। अभिमन्यु चाहता है कि अबीर उसी के पास रहे और वो अक्षरा से इस बात को लेकर भी काफ़ी नाराज़ है कि आखिर अक्षरा ने इतने सालों तक इस सच्चाई को क्यों छिपाया। लेकिन अक्षरा नहीं चाहती कि अभिमन्यु अबीर को हासिल करे। वो कहती है कि अभिनव ही उसका सगा बाप है, भले ही तुम बायोलॉजिकल फादर हो जाओ लेकिन जिस तरीके से अभिनव ने पाला पोसा है अबीर को, उसके बाद वही उसका बाप बन सकता है और वही उसके बाप के काबिल और लायक भी है। अब हम आपको बताते हैं कि अभिनव अपनी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे देगा। दरअसल अभिनव का होने वाला है एक मेजर एक्सीडेंट। वो जानता है कि अगर वो अबीर और अक्षरा का हाथ अभिमन्यु के हाथ में देगा तो आरोही के साथ ये गलत होगा, इसीलिए वो इसी उधेड़बुन में है और इसीलिए उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है। उसने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि अबीर जो है अभिमन्यु के पास चला जाए, तभी मुझे शांति मिलेगी। तो इस तरीके का एक मेजर ट्विस्ट जो है आने वाले दिनों में आपको शो के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो एक बात तो तय है कि अब ऑडियंस तैयार हो जाए एक मेजर ट्विस्ट के लिए, क्योंकि ये जो ट्विस्ट आएगा उसके बाद आरोही और अक्षरा दोनों की जिंदगियां बदल जाएगी, क्योंकि अभिनव शो को एग्जिट करने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी तमाशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।